मंजू से देखी सीजी मास्टर ग्रुप की तरफ से। और फ्रेंड हम आज स्टार्ट करेंगे अपना जो पार्ट है ओपन टून्स। जो ओपन टून्स सॉफ्टवेयर है वो एक बेसिकली जो है हमारा ओपन सोर्स और फ्री है ऑफ कॉस्ट है। और आपके कुछ आपका एनिमेट सीसी की तरह ये वर्क करता है, जैसे कि हमारा एनिमेट सीसी वर्क करता है उसी के अकॉर्डिंगली, लेकिन उससे भी बढ़िया वर्क करता है ये। ठीक है, तो आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, मेरे पास ये है। इंस्टॉलेशन में कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, आपको यहाँ डालना है ओपन, ठीक है, ओपन टून्स। तो आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे ओपन टून्स पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आप ओपन टून्स का। तो अभी आपके विंडोज 7 उसके सबके लिए आ गई है फाइल, लेकिन आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, और इस वेबसाइट से आप यहाँ से ओपन टून्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो है वो नेक्स्ट 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 करके आपको फिनिश कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट जो मेरे पास ओपन टून से। इसमें हम किस तरीके से किस तरीके क्या क्या कवर करते हैं, बेसिकली मैं टूल की नॉलेज जो है अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में दे चुका हूँ। तो अब सीधा मैं डिजाइनिंग की तरफ जो है वर्क करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ जैसे कि किसी के मुझे एक करेक्टर को डिजाइन करना है, तो मैं इसको नाम देता हूँ फीमेल। ठीक है, और ये हमारे पास है करेक्टर, तो फीमेल 0 बंद कर देते हैं हम यहाँ। जो भी आपके करेक्टर का नाम हो आप उसको रख सकते हो। मैंने यहाँ पर अपना ये फोल्डर है, मैं इस फोल्डर को चेंज कर लेता हूँ। अपना माई कंप्यूटर के अंदर आते हैं और हमें सेव करना है अपनी फाइल के लिए ऑल वर्क के अंदर, 2D के अंदर। यहाँ मैं एक फोल्डर को जो है वो क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर को रिनेम कर लेते हैं, जो फोल्डर है हमारे पास, तो इसको हमें रिनेम करना है। मैं अपने सेटिंग में यहीं से जाके इसको रिमूव कर वो कर लेता हूँ अपना। ठीक है, मेरे पास न्यू फोल्डर ये है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ओपन टून्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओपन टून्स वर्क कर देते हैं वर्क। ठीक, और इसका जो स्पेस है मैं इसके स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद हम आते हैं हमारे पास, देखिए कि जो हमारे करेक्टर है वो ये है। मैं यहाँ पर जो ओपन टून्स वर्क के अंदर मैंने सेव कर दिया इसको। ओपन टून्स वर्क के अंदर जो मेरी फाइल होगी उसको हम, हमने फोल्डर को चूज कर लिया पहले से ही, और हमारे पास नाम जो है वो ये है। ठीक है, आपको कितनी हाइट कितनी विड्थ में रखना है वो आपके पास यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, कितने इंचेस में करना है, सेंटीमीटर में करना है, डीपीआई कितना रखना है। ठीक है, एज ए रेजोल्यूशन जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना डीपीआई जो है मेरा 120 है। फ्रेम कितने रखना है आप यहाँ से रख सकते हो, और अपने इसको क्रिएट करोगे तो ये अब आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपको ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अब फीमेल का नाम से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास ये कॉलम्स है। ठीक है, हम कॉलम्स जो है हमारे पास ये लेयर हैं, हम इन लेयर्स पे वर्क करेंगे। उसके बाद फिर उन लेयर्स को मैच करके रिग करेंगे। रिग करने के बाद फिर हम उसका एनिमेशन करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ से अपना एक फाइल को इंपोर्ट, जो हमारे पास फाइल है 2D के अंदर हमारे पास है, और सॉरी मेरे पास 2D करेक्टर्स के अंदर कोई एक फाइल को हम ले लेते हैं, जो भी बेस्ट लगती हो थोड़ी। चलिए तोड़ो, हम कुछ इस तरीके की फाइल को चेक कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर हमारे पास ये हैं, सिक्स व्यूज हैं, और दूसरे जो हमारे पास है ये वाला जो हम देख रहे थे पहले, उसके कितने व्यूज थे, इसके इसके 5 व्यू हैं। ठीक है, तो हम ये वाली फाइल ले लेते हैं। हमें पहले फ्रंट को करना है, तो हम इसको यहाँ लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें स्केल करना है, तो हम एनिमेट से अपना टूल लेंगे और यहाँ से चेंज करेंगे, स्केल करेंगे इसे। ठीक
ठीक है, आपने इस व्यू पे लेके आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे। यहाँ से दूसरा कॉलम क्रिएट करना है हमारे लिए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और कोई भी आप नाम दे सकते हैं चाहो तो, नहीं तो अप्लाई करो। ठीक है, यहाँ से आपका वेक्टर लेयर का आ जाएगा, या आप यहाँ से नहीं करो तो आप यहाँ से आ सकते हैं न्यू लेवल के अंदर, वेक्टर लेवल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर वर्क करना है। तो मैं पहले फ्रेंड का क्रिएट करूँगा, मेरे पास जो फ्रेंड का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अपना जी प्रेस करेंगे, जो हमारे पास है क्या है, ज्योमेट्री टूल। ज्योमेट्री टूल से एलिप्स आ रहा है, मैं क्या करूँगा, एलिप्स नहीं बल्कि पॉलीगोनल टूल लूँगा, और इसकी जो है यहाँ से अपना, ठीक है, इस तरीके से अपने क्लिक करूँगा जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। मैं बाद में इसको जो है वो सेट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। इसको हल्का सा राउंड करेंगे हम यहाँ से, और यहाँ इसको हल्का सा राउंड, फिर यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ से इस तरीके से अब हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ से सी, जो है हमारे पास सी प्रेस करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, जो इसको हम कहते हैं कंट्रोल पांच एडिटर। क्लिक करोगे यहाँ और यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ये राउंडेड से इसको हल्का सा मूव कराओ, और इसको थोड़ी सी शेप जो है वो यहाँ ले लो। ठीक है, फिर हमारे पास ये यह है, यहाँ तो बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ राउंड चाहिए वहाँ राउंड कर लो। अब ये आपको प्रॉब्लम फेस होती होगी कि ये कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ ऑल्ट प्रेस करोगे और इसको इस तरीके से तोड़ लोगे। ठीक है, बेसिकली मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हल्का सा राउंड करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ठीक, हल्का सा नीचे ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी मेरे जो क्या नाम है आपका स्टोक, ठीक है, जिसे हम स्टोक कहते हैं, उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो आप सेलेक्ट करोगे ये वाला टूल, जिसे हम जो है हमारा टूल्स है, इसका नाम है हमारे पास सिलेक्शन टूल। क्लिक करने के बाद आप इस सेलेक्ट करोगे, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसकी विड्थ को कम करने का, ये हल्का सा आपको पॉप दिख रहा है, ये इसको इस तरीके से आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, अपने हेयर को क्रिएट करना है, तो दोबारा से फिर मुझे एक लेवल क्रिएट करना होगा। मैं करूँगा यहाँ पर एक लेवल क्रिएट, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हेयर्स को जो है वो उनको क्रिएट करेंगे। तो फिर से मैं ज्योमेट्री टूल लूँगा अपना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये यहाँ तक एक पार्ट है, उसके बाद ये वाला पार्ट अलग है, ये यहाँ से जो पार्ट है हमारे हाफ, थोड़ा सा ये आगे को है, बाकी जो है कुछ पीछे का पार्ट है, तो उनको हमें अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट के लिए, पहले हेयर को, सॉरी हेयर के बजाय पहले हम इसके कान को बना लेते हैं, जो हमारे पास हेयर हैं ये वाले। ठीक, इस तरीके से हल्का सा राउंड करो, यहाँ से हल्का सा राउंड, फिर आओ आप यहाँ। अब यहाँ बार बार हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी लेंथ है वो, उसको स्ट्रोक को एक ही बार में सेट कर लेते हैं। क्लिक करो, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है 0.5 की, 0.5, 0.205, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है कि इसके जो नीचे का पार्ट ये वाला दिख रहा है, तो इनको भी बनाना, तो हम यहाँ एलिप्स से इनको क्रिएट करेंगे, जल्दी हो जाए हमारा वर्क। ठीक है, उसके बाद हम अपना लेंगे, अपन जो है स्केल को करेंगे पोजीशन, और इसको यहाँ से, अब यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप प्रेस करोगे एस, जो कि मुझे केवल ये सिलेक्शन कर देगा। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, मेरे पास जो इसकी लेंथ आ रही है, उस लेंथ को हमें क्या करना है, छोटा करना है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक को पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्ट्रोक ही आ रहा है, तो हम यहाँ से स्ट्रोक को करेंगे 0.5, 0.5, ठीक है, 5 कम हो गया। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक, सेलेक्ट करो इसे, और इसे क्या करो, यहीं से पकड़ो, और सॉरी इसे सेलेक्ट करो, मूव कराओ, यहाँ आएगा ये, हल्का सा नाम के लिए स्केल कर लेते हैं हम इस तरीके से, और फिर कंट्रोल वी, ठीक है, तो ये फिर यहाँ आया, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ लेके आओ, एंड इसको सेलेक्ट करके सी प्रेस करो, जो हमारे पास है हमारा ये टूल, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स का,
इसको यहाँ से आप इस तरीके से एडजस्ट करोगे। सेलेक्ट करो, यहाँ हल्का सा इसको स्केल नहीं करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं वर्क। ठीक है, बाहर क्लिक कर लो और सेलेक्ट करो इस तरीके से। और बेसिकली फ्रेंड, जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आपको जैसे लो कॉन्फ़िगरेशन के जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं उन पे भी ये वर्क कर जाता है, जिसमें कि हमारा एनिमेट सीसी है उसके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कलर करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे अपना, और यहाँ पर रेड कलर देना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से अपना आई ड्रॉप टूल लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास है ये, इसकी शॉर्टकट की आप देख लो, के क्लिक। ठीक है, अगर ऐसे ना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से कलर को चेंज कर लोगे। ठीक है, तभी स्ट्रोक चेंज हो रहा है क्योंकि सेलेक्ट है, तो हमें केवल इसे चेंज करना है। इसको क्या करना है, ब्लैक करना है, हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और एफ प्रेस करेंगे हम, फिल। ठीक है, ये वाला टूल हमारे पास अभी नॉर्मल है, यहाँ रेक्टेंगल करेंगे और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करोगे इसको, सॉरी ये। उसके बाद हमारे लिए यहाँ चाहिए येलो कलर, तो आप यहाँ से इसको हल्का सा गोल्डनेस कलर यहाँ से दे दोगे, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आ गया। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से इसी की कॉपी फिर निकालना है सेलेक्ट करके, जो मेरे पास ये टूल है, तो हम सेलेक्ट करेंगे एस सेक्शन टूल, फिर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक, मो सॉरी, अभी यही क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको कलर को चेंज कर लेते हैं यह वाला, और एफ प्रेस कर लेते हैं। सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ कि जो कलर है इसके लिए मुझे दूसरा ही क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आ गया, मुझे करना है, फिर मुझे करना है यहाँ पर अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट और इसे यहाँ से मूव करा देना है। ठीक है, इस तरीके से मूव कराया और इसे यहीं स्केल करा दिया, इस तरीके से स्केल करा देते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये फेस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे हमें फ्रंट चाहिए, तो हम इसको फ्रंट करेंगे, अपना बैक वन है हमारे पास, बैक वन ग्रुप है हमारे पास। तो कहीं नहीं, हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास जो शेप आ रही है वो उसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको नीचे से लेके आते हैं साइड को। बेसिकली मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं क्या करता हूँ, इसमें कलर दूसरा दे, हम जो है वो सॉरी, इसमें कलर ये वाला दे देते हैं। हमारे पास जो है ये वाला जो कलर है, ओके, स्टोक पे आ रहा है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम अपना पाथ। ऐसा क्यों हो रहा है, होता तो नहीं है, कोई नहीं। सिलेक्ट करो अपने कलर के लिए ये वाला कलर, जी सॉरी, ये वाला कलर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अपना फिल टूल लेंगे और दोबारा से सिलेक्ट करेंगे इस पार्ट को। आ गया, अब मुझे सेम ये वाला कलर चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको करूँगा इस तरीके से। ठीक है, और मूव कराएंगे हम यहाँ से अपना सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके ऐसे, और इसे यहाँ से मैच करेंगे। ओके, अब मुझे कलर चाहिए फिर से, तो मैं यहाँ से इसको, ठीक है, हम क्या करेंगे, नॉर्मल कर लेते हैं और पिक करते हैं। ठीक है, अब मेरे लिए यहाँ जो टूल्स आ रहा है मेरे पास अपना, तो यहाँ से मुझे इन टूल से मुझे इसको एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे अपने पार्ट के लिए। कोई बात नहीं, इसे बाहर ही हो जाने दो, कोई बात नहीं। आप सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ से और इसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, यहीं स्केल किया ऐसे। अब मुझे इसकी जो वो मेरे पास लेंथ है, ये लेंथ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मुझे जो कलर है वो कलर नहीं चाहिए। ओके, सेलेक्ट करो दोबारा, मेरे पास ये टूल आ रहा है। ठीक है, ये मैं इसे क्या करता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, ठीक। अब
मुझे इसको इसके साथ अटैच कराना है, तो इसको क्या करते हैं, हमारे पास जो थोड़ा सा इसको मूव कराना होगा, मैं यहाँ से हो जाए, ठीक है। अब मुझे इसे हल्का सा मूव कराना है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है, मैच कराते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी हो गया, कंट्रोल वी, और ये आया। पहले चेक करते हैं ये जगह आ रहा है भाई, सब ठीक है, नीचे जा रहा है बैकवर्ड में, तो कोई बात नहीं, हम इसे करते हैं, इसको इस तरीके से ले लेते हैं, और ठीक है। तो और इस पे जो कलर है हमारे पास ये वाला, हम इस कलर को फिल कर देते हैं यहाँ। चलिए 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 चलिए, सेलेक्ट कंट्रोल वी, देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है इसकी, आप क्या करो, सेलेक्ट करो और इसको, सॉरी एक्चुअली एफ, ठीक है। तो नॉर्मल से हम रेक्टेंगल करते हैं और इसको कलर कर लेते हैं, फिर सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको लोगे और करोगे एस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं अपना वैक को, मूव टू वैक, मूव टू वैक, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो हमें करना है बैक करना ही, लेकिन बैक हो क्यों नहीं रहा है, ऑप्शन तो सही आ रहे हैं हमारे, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ऐसे लेते हैं यहाँ एक, अगर मैं इसको थोड़ा एक काम करता हूँ कि इसके लिए 3D के मेरे पास व्यू है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, और यहाँ से अपना लेते हैं मूव टू जो है पोजीशन का, और इसको हल्का सा, सेलेक्ट करते हैं ये वाला टू ओनली, ठीक है, और इसे पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं इसके, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से ऑफ कर लेते हैं अपना 3D टूल और आते हैं नॉर्मल में, ठीक है, कोई ना, और खोल लो इसको, कीज को, कीज की हमें ज़रूरत नहीं बेसिकली, अभी केवल हम वर्क कर रहे हैं, तो हम केवल वर्क पे अपने ध्यान देंगे, ठीक है, इसको हम एफ्रेश करेंगे, यहाँ करेंगे अपना रेड कलर जो है हमारे पास ये वाला, और येलो, फिर इसको ये वाला, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा और इसे, ठीक है, ऐसे अब तो सही है, परफेक्ट। लेकिन ऊपर वाला का जो स्ट्रोक है वो हमें क्या करना है, ज़ीरो करना है यहाँ से, फोर हो रहा है तो ज़ीरो कर दें,
अब मुझे एयर का भी कलर करना है, तो हम कलर पिक कर लेते हैं अपना कलर पिकर से। आई ड्रॉप लिया, सॉरी कि हमारा जो है आई ड्रॉप आएगा आपका, एल को ऑफ करो यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि जो आपकी इमेज है ना, इस इमेज को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर कलर पिकर टूल लोगे, इसको अनलॉक करोगे यहाँ से, और यहाँ क्लिक करोगे आप, और उसके बाद यहाँ पर हो रहा है सिलेक्ट हो रहा है, फिर ये वाला सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ये वाला टूल चाहिए हमें, कलर ले लिया ये, दूसरा कलर चाहिए हमें ये, सॉरी एक कलर ये चाहिए, दूसरा कलर ये चाहिए, ठीक है। तीसरा हमें नोज का ये चाहिए, शेडो का, चौथा हमारे लिए ये चाहिए ये कलर हेयर का, ठीक है ना। तो एक ही बार में हम क्या है अपनी पैलेट को क्रिएट कर लेते हैं, ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ये चाहिए, ठीक है, ये हो गया। ये कलर कहाँ का है हमारा, ठीक है। अब हम वापस आते हैं और इसको लॉक कर लेते हैं, हमारे पास जो आई ड्रॉपर है। मैं क्या करूँगा, मुझे कौन सा कलर चाहिए अभी, ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कॉपी, ठीक है। और किस लेयर पे चाहिए, हेयर वाली पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपने हेयर हेयर वाली, और जो कलर की पैलेट है मेरे पास यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिल टूल लेंगे अपना, लेंगे जो हमारे पास है ये टूल, इसको कलर फिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मल तरीका जो है हमारे पास ये है, और फिल कर दो, ओके। उसके बाद हमारे पास फेस है ये, तो हम फेस के लिए हम कलर लेते हैं, दोबारा से आते हैं अपनी इस लेयर पर, ये कलर चाहिए, हमें कॉपी किया, फिर हम फेस के ऊपर आए, हमने क्लिक किया और फिल, ठीक है, सॉरी कलर को पेस्ट किया और फिर, ठीक है। हमारे पास फेस का क्रिएट हो गया, ये भी क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम जो है वो अपने हेयर को क्रिएट कर लेते हैं, इनको ऑफ कर लेते हैं। एक को मुझे लेयर और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से क्लिक करूँगा और क्लिक, अब हमें करना है हेयर को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम अपना लेते हैं फिर से दोबारा ज्योमेट्री टूल, ज्योमेट्री टूल से अपना जो हमारे पास है अपना पॉलीगोनल क्रिएट कर दें यहाँ से, और इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल जेड के, जहाँ से आपको शेप चाहिए उसी के हिसाब से अपनी शेप को एडजस्ट कर लो, क्लिक क्लिक और क्लिक इस तरीके से, फिर क्लिक। ये पीछे वाला भी बैक वाला भी आ जाएगा, तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड ये वाला, ठीक है, फिर क्लिक इस तरीके से, और इस तरीके से। उसके बाद यहाँ के क्लोज कर दो, फिर अपना सी प्रेस करो, और इसको जो सिलेक्शन हमारे पास है इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है, ऑल्ट के साथ से क्लिक करो और इसे सेट करो, फिर हल्का सा ऐसे भी सेट कर लो, सेलेक्ट क्लिक, ठीक है। हम यहाँ आए, अब यहाँ हमें क्या करना है, स्मूथ करना है इसको थोड़ा सा, शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसमें कलर, ठीक है। तो हमें कलर हेयर का चाहिए, फिर सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास जो कलर है वो हेयर का है ये वाला डार्क वाला, कॉपी हेयर पे आया, क्लिक किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। दोबारा से फिर हमें कलर चाहिए, तो फिर यहाँ आए, हमें कौन सा कलर चाहिए ये वाला, तो हमने क्या करा कॉपी किया और फिर यहाँ आए पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमें फिर कलर चाहिए, तो वो कौन सा कलर होगा हमारा, होगा ये वाला, कॉपी, एंड फिर हमारे हेयर पे आए और फिर
हमने यहाँ क्लिक किया और क्या करा, हेयर कलर। ठीक, तो हमारे पास इतने ढेर सारे जो कलर हैं वो होगा। फर्स्ट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ सिलेक्शन टूल पे, सेलेक्ट करूँ दोबारा जिससे कि विड्थ ओपन हो जाए हमारी। ठीक है, तो मुझे विड्थ शो नहीं करानी है, 0.02 कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। सेलेक्ट करो रेक्टेंगल से, इसे जो है फिल कर दो, अपना फिल टूल लो रेक्टेंगल। ठीक है, तो नॉर्मल से इसको रेक्टेंगल ले लिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और फेस हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझे शो हो। ठीक है, उसके बाद मैं जो करना चाहता हूँ, जैसे कि और डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें करना है, यहाँ आप देख रहे हो कि जो मैंने फेस की लेयर क्रिएट की है इसको, और आप इस लेयर को दोनों को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से ड्रैग कर दोगे तो हेयर वाली कलर हमारी जो है वो ये आ गई, यहाँ देखो आप। ठीक, आगे अब यहाँ हमें करना है जो हमारे पास ये लेयर है, ठीक है, हमें करना है इस लेयर को ओपेसिटी कम करना है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो किसकी हो रही है, हमारे फेस की हो रही है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, इसकी कर लेते हैं प्रॉपर्टी ओपेसिटी कम हो गई। अब हम करते हैं इसकी ओपेसिटी कम कर ली, उसके बाद हमें इसके जो हेयर हैं उनकी स्टाइल्स को क्रिएट करना है, तो हम फिर आएंगे जी प्रेस करेंगे अपना, या आप जिससे चाहो आप ब्रश से चाहो तो ब्रश से कर सकते हो। बेसिकली मैं पॉलीगनल जो है टूल चलाता हूँ, तो मैं उससे इसको क्रिएट कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तो कंट्रोल जेड करो एंड इस तरीके से, एंड क्लिक क्लिक और क्लिक, फिर आओ यहाँ आप क्लिक एंड क्लिक इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल जेड थोड़ा सा कर देना है इस तरीके से, फिर क्लिक। ठीक, तो अब सी प्रेस करो, जो आपके पास आपने शेप क्रिएट किया उसको थोड़ा सा रिफाइन कर लो इस तरीके। ठीक है, यहाँ पर आओ, इसको मूव करो और ये ठीक है, इसको सेट करो, इसको सेट करो यहाँ से इसको। ठीक है, हल्का सा इसको यहाँ से सेट करो, ये है तो इसे यहाँ से, अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, दोनों पेपर ऑल के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये जो पार्ट है हमारे पास, इसको हम यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर आ रहा है तो और के साथ यहाँ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कलर चाहिए सेम, तो मैं क्या करूँगा, एस प्रेस करूँगा और ड्रैग करेंगे हम यहाँ से, हमारे पास कलर कौन सा है वो ये है। ठीक है, उसके बाद एफ, ठीक है, तो नॉर्मल कर देते हैं यहाँ से अपना और इस पर कलर ले देते हैं एफ। ठीक है, ये आ गया कलर, बट शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी कम कर रखी है। फिर हम आते हैं जी प्रेस करते हैं, जी प्रेस करने के बाद पहले एन, ठीक है, तो ये लाइन को हमें क्रिएट करना है। आप चाहो तो लाइन क्रिएट कर लो, चाहो तो अपना पॉलीगनल टूल से पाथ क्रिएट कर लो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आओ यहाँ, ठीक है, सी सिलेक्ट, ठीक है, अब यह भी मुझे इसी तरीके से करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से देता हूँ अपना यही टूल क्रिएट एंड क्रिएट। ठीक है, सी प्रेस करो, क्लिक करो, आ गया एंड क्लिक, थोड़ा सा राउंड करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिसकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे
यहाँ से अपना जो हमारे पास टूल है, हमारी जीरो ये लेंथ जो है उसे करना है 0, ठीक है। और फिर हमें जो कलर है वो कलर चाहिए ये वाला, हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल के बजाय सॉरी F और फिल, ठीक है। सेम फिर सेलेक्ट करेंगे ये वाला है, यहाँ से लेंथ जो है वो 0 करनी है हमें, डिलीट एंड 0 सॉरी 0, और फिर F और फिर हो गया। अब हम इतना ही चेक करते हैं जो हमने क्रिएट किया है सॉरी यहाँ से, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा ये क्रिएट हो गया मॉडल, इसको हम क्या करते हैं चेक कर, अभी इसकी लेंथ जो है प्रॉब्लम कर रही है हमारे लिए ये वाली, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसकी लेंथ को भी कर देंगे 0.1, ठीक है 0.0, ठीक है 5, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें क्या करना है, फिर से इसकी लेंथ को कम करना है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है किस तरीके से आप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, बस चलाना आना चाहिए थोड़ा सा और खुद ही आप सीख जाओगे। बेसिकली मैं इस सॉफ्टवेयर पे जो है ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा, अगर आप लोगों की जो है वो रही तो। इसके बाद हम आते हैं यहाँ और सेलेक्ट करते हैं अपना ये वाला जो है, हम यहाँ लैन टूल ले लेते हैं, बेसिकली जो है वो हमारा लैन टूल है, ज्योमेट्री से लैन, ठीक है, इसे क्रिएट कर लेते हैं सीधा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ, ठीक। फिर आते हैं प्रेस करते हैं अपना सी सॉरी ये यहाँ सी, और इसको हल्का सा राउंड करते हैं इस तरीके से, ये वाली शेप है इसको हल्का सा इस तरीके से राउंड करते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि हमारे पास है ये पंप है, ठीक है पंप है, तो हल्का सा इसके वर्टेक्स को हम सेलेक्ट कर लें तो ये इसका पंप काम करेगा, पूरी इस पर काम कर रहा है, ब्लेंड है बस आयरन दुपट्टा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद करता है वो टूल्स का संग, कौन सा करता है ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी जो है हमारी ब्रथ टूल होता है उस तरीके से वर्क करता है, शिफ्ट करने के लिए हमारा ब्लेंड आयरन कटर स्केलेटन है, ठीक है ये तो हमारे काम के नहीं है। कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा इतना ये पार्ट हो गया, हम काम करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, वो कैसे है कि मैं इसको सी प्रेस कर लेता हूँ पास से, ठीक है। कोई नहीं, डिलीट ही कर देते हैं इसके भी, डिलीट और फिर बना लेते हैं जी, और यहाँ से ज्योमेट्री के बजाय लासो टू क्लिक, उसके बाद क्लिक और यहाँ से इस तरीके से क्रिएट, फिर क्रिएट, फिर क्रिएट, ठीक है। विड्थ ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे अपने सिलेक्शन टूल से और इसकी विड्थ को कर दोगे 0.02, और उसके बाद सिलेक्ट करोगे सी क्लिक मूव, ठीक है, और के साथ इस तरीके से सेट करो, ऊपर जा रहा है ज़्यादा तो आप यहाँ से इसे इस तरीके से तोड़ोगे, इसे नीचे लेके आओगे, इसे ऑल्ट के साथ तोड़ दो, ये आ रहा है इसको भी ऑल्ट के साथ सॉरी, ठीक है। फिर मुझे कलर करना है कौन सा, इस पर ये वाला, ठीक है। तो आते हैं एस और कलर फिल,
फिल, ठीक है, तो हम एफ कलरफुल, एक सेट का हमारा क्रिएट हो गया, हमें दूसरे सेट का क्रिएट करना है, तो फिर से हम आते हैं जी, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद ये है यहाँ से, ठीक है, उसके बाद यहाँ हाफ ले लेते हैं फिर, और सेम क्लिक, 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 अब यहाँ एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ से हाफ पार्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे, सीख रही है, ठीक है, ये हमारे फ्रंट पे साइड में आ रहा है, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, ये पहले ऊपर वाला जो जितना हमने वर्क किया है उसके लिए मैं पहले ऊपर से डाउन कर लेता हूँ, वो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो, सॉरी, कंट्रोल जेड एंड सी वो एस, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी बिट तो 0.0 हो गया, उसके बाद हमारे पास जो कलर है वो हम कलर कर लेते हैं ये वाला एंड एफ फिल, फिर दूसरा है हमारे पास एस, ठीक है, तो ये वाला है, सॉरी, ये है एफ फिल, ठीक है, एस एफ शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको भी, सेलेक्ट करेंगे जितना भी जो पार्ट है हमारा, इसकी थोड़ी सी बिट बढ़ा लेते हैं, इसी के हमें भी शो हो जाए अभी कुछ इस तरीके से, और इसकी बिट को जो है कुछ 0.02 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अब जो कलर है हमें ये चाहिए, कलर ये वाला है, ये वाला नहीं, ये है, ठीक है, तो हम करते हैं पहले ब्लैक, ब्लैक के बाद आते हैं अपने फिल टूल के अंदर, ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें ये आ रही है, सॉरी, क्लिक करो, ठीक है, सेलेक्ट करो और 0.0 उसको 0 कर लो, सेम क्लिक करो, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसको सी प्रेस करो, सेलेक्ट करो, क्लिक, ठीक है, तो ऑल्ट के साथ ऐसा इस तरीके, ऑल्ट के साथ तो वैसे हैंडल को इस तरीके से, फिर हमारे पास ये टूल है, ये है कलर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे 0.01 ब्लैक कलर कर लेते हैं थोड़ी के लिए, ठीक है, उसके बाद हमें कलर फिल करना है ये वाला एंड एस, सॉरी, एफ क्लिक, फिल हो गया, ओके, तो हमारे पास ये वाला जो है लेयर है हमारे पास, इसको सिलेक्ट, लेयर को कर लो यहाँ पर 0 के बजाय ये कलर फिल कर देते हैं जिससे कि वो सुनो, ठीक है, अब हमारे पास जो है फ्रंट की लेयर ये है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक हेयर की लेयर को और क्रिएट करेंगे जैसे कि ये आ रही डिज़ाइन, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक क्रिएट करेंगे अपना, जहाँ जहाँ हमें जिस जिसकी ज़रूरत होगी हम उस हिसाब से काम करते चले जाएंगे, परेशान मत हो आप, उसके बाद अब हमें यहाँ डिज़ाइन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेता हूँ पी, सॉरी, ई, और जो डिज़ाइन है वो हमारा डिज़ाइन है ये,
ठीक है, ये इस तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ से क्लिक करो, ठीक है, इस तरीके से हमें जो हेयर चाहिए वो आ जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पार्ट हमारा आ रहा है इस सेट का भी इसी भी क्लियर कर लेते हैं जो है, यहाँ पर से भी हमें थोड़ा सा पार्ट इसका चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए, आगे आगे ठीक है, मेहनत क्यों करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो लाइन है हमारे पास ये वाली, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आते हैं, फिर से लाइन, ठीक क्लिक क्लिक। एंड सेम डिज़ाइन जो ये है ये वाला भी हम यहीं से क्लिक करके अपना मैच करा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इस पार्ट के लिए, एडजस्ट कर लिया है। और एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ आते हैं अपने इस पार्ट में, देख रहे हो, तो इसे हम यहीं एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। हल्का सा ये जो राउंडनेस है इसको हमें सेट करना है, इसको सेट करो। और कहीं है नहीं, ठीक है। अब हमें यह करना है कि इस पे जो कलर है वो कलर हमें दूसरा लेना है, इस पे से ये कॉपी करो कलर के लिए, एंड यहाँ आओ पेस्ट करो, इस वाले पे पेस्ट कर देते हैं। दोबारा फिर आते हैं, हमें ये कलर चाहिए, पेस्ट करो, कॉपी करो, यहाँ आओ, जो हमारे पास कलर पहले डाल रही है यहाँ से पेस्ट कर लो। फिर दोबारा आते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, कॉपी करते हैं, ये वाले कलर पे आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। अब हमें कलर फिल करना है ये, तो हम आइस पेस्ट करते हैं। आइस पेस्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो भी इसकी रहने देते हैं, फिर एफ, एस, पहले कॉपी, यहाँ आओ पेस्ट, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ आओ, अपना जो कलर है आपका इसको फिल करो, यहाँ यहाँ पर भी फिल करना है, यहाँ पर भी फिल करना है, ये सब में फिल करना है, परफेक्ट। अब जो हमने लेयर ऑफ किया है इसको भी ऑन कर लेते हैं, फिर इसको भी ऑन कर लेते हैं। तो जो डिज़ाइन था वो हमारा कुछ इस तरीके का है, ओके। तो हमें यहाँ हल्की सी प्रॉब्लम फेस हो रही है, सेलेक्ट करो इसे, ओके, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, ऑन कर लेते हैं, सॉरी ऑन नहीं थी, वो ऑफ थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो सी से हम सेलेक्ट करते हैं इसे, ये प्रॉब्लम फेस हो रही है हल्की सी, तो हम क्या करेंगे इसे एडजस्ट करेंगे,
अब इसकी जो है ओपेसिटी को कम कर लेते हैं, जैसे उसको किया था उसी तरीके से इसकी भी ओपेसिटी को हम कम कर लेते हैं। और जो डिज़ाइन क्लियर करनी है हम पहले इसको थोड़ी के लिए ऑफ कर लेते हैं, अपने इसको भी ऑफ कर लेते हैं। जो डिज़ाइन क्लियर करना है वो इस लेयर पे हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने पार्ट की तरफ और लेते हैं फिर से टूल इस तरीके से, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, कंट्रोल लेट से लेते हैं, कलर को ले लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, इससे कि मुझे लाइन शो हो जाए, क्योंकि लाइन शो हो नहीं रही है इसलिए। इस तरीके से यहाँ से इसी तरीके से मेरे स्टेट वो अपने उसमें फ्लैश में भी काम करते हैं ना, लेयर बाई लेयर सेम उसी तरीके से इसमें कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। मेरे इसमें थोड़ा सा जो पॉलीगनल टूल है ये अलग है, बाकी सारे जो भी फीचर्स हैं वो सेम है। उससे भी एडवांस है भी प्लास्टिक टूल जो है उसका मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको, जरा ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा हमारा उसके बाद। ठीक है, तो लेंथ थोड़ी कम कर लेते हैं, यहाँ से अपने सिलेक्ट करते हैं इस टूल को, और ये लेंथ आ रही है 0.01, 0.0, ठीक है। फिर सी और चेक करते हैं जो शेप है हमारी ये रहेगी, इसको सेट करना है यहाँ से हमें, और ये जो शेप आ रही है फिर ये लेते हैं यहाँ से हल्का सा इसको सेट करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा पार्ट है इसको, इस तरीके से एडजस्ट कर लो। हो गया ये वाला पार्ट। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें कलर चाहिए ये वाला, तो सिलेक्ट करो इस टूल को और कलर अपना पहले ये ले लो ये वाला, ठीक है। लाइन पे आ जाएगा ये कलर, उसके बाद आप क्या करो कि इसी को सिलेक्ट करो और कॉपी करो, ठीक है, और अपना फिल टूल ले लो, फिल कर दो, ठीक। सेम अब हमें क्या करना है, फिर जी क्लिक करते हैं यहाँ, फिर क्लिक और क्लिक ए, अपना सी प्रेस करो, चेक करो, मूव कराओ इसको एस सेलेक्ट ये वाला डोर, और इसको करो 0.01, ठीक है, एफ फिल। अब आप देखिए जो हमारे पास है, एक्चुअली मुझे मोह का याद रहता है, देखिए, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी कम है हमारे, तो इसलिए वो भी हमारा ओपेसिटी पे फुल है, ठीक है। ऑन करते हैं और चेक, तो कुछ हद तक आई थिंक जो है वो सही होने लगा। फिर जो है हमें थोड़ा सा और अभी सही करना है, तो हम सेलेक्ट करते हैं, फिर ओपेसिटी में आते हैं इस तरीके से, फिर ऑफ करते हैं इसको भी, ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते रहते हैं कि हाँ हमने लिख लिया है, ठीक है, ऊपर का ठीक है, लेकिन ये वाला भी डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो हम फिर से जी टूल लेते हैं, ग्रैब टूल सिलेक्ट,
कंट्रोल जेड और एस सिलेक्ट करो, ठीक है, एफ। एफ ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है कोई, तो हम इसे सेट कर लेते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं अपनी विड्थ को, जो विड्थ है हमारे पास 0.0, क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। आई थिंक कलर आ गया है, हाँ आ तो गया है कलर, हाँ ठीक आ गया है। और जो ये लाइन है हम इसे करते हैं, हल्का सा ऊपर को मूव कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं कि हमारी जो स्टिकर या डिज़ाइन, इस डिज़ाइन के लिए एक लेयर और अलग से क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो फिर आए यहाँ, क्लिक किया, ओके किया और अब करते हैं, अब देखते हैं कि हाँ होगी प्रॉब्लम, देखते हैं कैसे होगी प्रॉब्लम। सेलेक्ट करते हैं जो ये लाइन है, इसी लाइन को, फिर हमारे पास जो कलर है इसकी थिकनेस सेलेक्ट कर लेते हैं, थिकनेस जो है वो 0.01 करते हैं, ठीक है। और कलर दोबारा से यहाँ से ले लेते हैं अपना, ये कलर है पेस्ट, ये बड़ा सिलेक्ट करो और फिर ठीक है सिलेक्ट ये, और ठीक है उसके बाद हमारे पास है ये टू, ठीक है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो सिलेक्ट कर लो, ओके। उसके बाद हम आते हैं इस डिज़ाइन पर दूसरे पे, सराउंड ऊपर परेशान आ रही है, तो यहाँ सेलेक्ट करो, ठीक
हमें कलर करना है यहाँ ये वाला। ठीक, फिर यहाँ से आते हैं इस तरीके से, फिर ठीक है, उसके बाद हम कलर डाल देते हैं। सेलेक्ट करो इसे और कलर ये, ठीक है, थोड़ा सेलेक्ट करो 0 और फिर एफ फिल। अब चेक कर लेते हैं जो हमने डिज़ाइन किया है वो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्योंकि ओपेसिटी कम है, ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद ये ओपेसिटी इसकी ठीक है ना, हमारा डिज़ाइन जो है वो उसका सही है, आई थिंक बेटर। पहले से यहाँ आते हैं अपने ये वाले व्यू पर और इसको भी चेक कर लेते हैं, 100 सही है ना, कुछ हद तक सही है। सही है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से फिर एक कॉलम चाहिए हमें, कॉलम के लिए दोबारा से सिलेक्ट करते हैं कॉपी, अपने लिए इसको लिया और उसको बटन बनाया वेक्टर। अब मुझे ये डिज़ाइन क्लियर करना है तो फिर से अपना ज्योमेट्री टूल लूँगा मैं, और पहले चेक कर लेते हैं जो मेरा ये वाला व्यू है एंड ये वाला। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली भी को मुझे सेट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, क्लिक क्लिक, फिर यहाँ इस तरीके से क्लिक ठीक क्लिक क्लिक, एंड इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। बेसिकली इसमें जो यूज़ होता है वो लोग करते हैं अपने पेंसिल का, लेकिन मैं पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे वर्क करता हूँ, ये आप लोग भी देख रहे होंगे, इसीलिए मेरे जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ और हमारे पास है ये टूल। ठीक, फिर हमें कलर कौन सा करना है, वो कलर करना है ये वाला, तो फिर से क्लिक करना है हमें, यहाँ आना है एंड हम क्या करते हैं कॉपी और सेलेक्ट पेस्ट, फिर कॉपी ठीक है पेस्ट, ठीक है फिर कॉपी फिर पेस्ट, ठीक है पेस्ट। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमारे पास जो कलर है इसको सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास ठीक है, ऑल्ट के साथ से तोड़ो सेट करो, फिर ऑल्ट के साथ यहाँ सेट करो, ये सेट कर लो सर पहले, ये फिर कलर करेक्शन हम वो बाद में कर लेंगे। सॉरी, यस सी स्पेस बार से आप इसमें काम मत करना, क्योंकि स्पेस बार से अगर आप करोगे तो वो हैंडी देगा आपको सीधा,
फिर ये डिज़ाइन क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर ज्योमेट्री टूल लेंगे, क्लिक, फिर सेलेक्ट, ठीक है। अब ये जो पार्ट है हम उसका अब पहले इसमें जो कलर है हमारे पास, इस कलर को कर लेते हैं। हमारे पास जो कलर है ये वाला, एंड सेलेक्ट करते हैं ये, और फिर एफ मूव, फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं इस वाले को, सी एस ड्रैग, ठीक है। इसके बाद एफ, ठीक है, ये हो गया। अब जो मुझे शेड्स क्रिएट करनी है वो दूसरी लेयर पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ आके, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डिलीट 0.01, उसके बाद हम करते हैं फिर से ग्रैब टू का यूज़, और ठीक है, और फिर जी क्लिक, सॉरी अपना एस क्लिक, ठीक है, क्लिक, फिर ऐसे सबको क्रिएट कर लेते हैं। हाफ एंड क्लिक, ठीक है,
फिर उसके बाद फिर आते हैं ग्रैब टूल्स यूज करते हैं। इस तरीके से हमें लहसुन यहाँ के मिला देते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट करो ग्रैब टूल से ऐसे, फिर उसके बाद आते हैं क्लिक करते हैं यहाँ, और क्लिक सी, पहले एस इसके जो है वो थिकनेस कम करो, फिर सी, ठीक है, जिससे कि हम एडजस्ट आराम से कर पाएँ इस तरीके से। फिर जी फिर क्लिक, ओके, इसके बाद हम इसको डिज़ाइन को इस तरीके से पूरा क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करो इसकी जो है स्ट्रेंथ को भी कम कर लेते हैं, फिर सेट करते हैं इसको भी क्लिक क्लिक, सी सॉरी एस, पहले इसकी स्ट्रेंथ कम, फिर सी, ठीक है, और इसको ऑल्ट के साथ क्रिएट करो, फिर यहाँ से इसको तोड़ो, सेट करो, क्लिक क्लिक एंड ये वाला हैंडल नीचे आई थिंक ठीक है, फिर नीचे वाला पार्ट आते हैं, ये वाला क्लिक करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं, सेलेक्ट सी, ठीक है, सेलेक्ट करो उस कलर को, और यहाँ से जो कलर्स है ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं
यहाँ आते हैं और पेस्ट सिलेक्ट पहले करते हैं, सिलेक्ट ठीक है, एफ, फिर सिलेक्ट सिलेक्ट, फिर एफ, फिर सिलेक्ट करो ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद सिलेक्ट करो अपना, सिलेक्ट हो जाए भाई, ठीक है, सॉरी ये वाला सिलेक्ट कर दें, वो पूरा चेंज करना पड़ सकता है, फिर एफ, फिर सिलेक्ट, ठीक है, उसके बाद एफ सिलेक्ट, ठीक है, फिर एफ सिलेक्ट करो इसे और एफ फिल कर दो, फिर सिलेक्ट करो इस वाले पार्ट को, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, सॉरी सिलेक्ट एक बार देखते हैं सब सिलेक्ट करके, फिर कलर, ठीक है, एंड एफ, कलर हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं थोड़ी सी, जहाँ जहाँ हमें जो है वाइट एरिया का स्पॉट दिख रहा है ये वाला जैसे है, तो यहाँ हम इसे क्रिएट करना है, तो हम इसे क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके, कंट्रोल के साथ आप काट सकते हैं, और इसको यहाँ इस तरीके से एडजस्ट करोगे फिर कंट्रोल के साथ, और यहाँ ठीक है, एंड सेलेक्ट करो अपना ये वाला टूल, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, 0.0। उसी तरीके से हमारे पास ये है यहाँ पर, तो आप यहाँ से इस तरीके से क्रिएट करोगे जैसे कि वो लगे कि हाँ अंदर से डिज़ाइन आया हुआ है, उसके बाद यहाँ से क्लिक, ठीक है, सेलेक्ट करो और उसके बाद स्टैंड को करो डिलीट 0.01, फिर इसकी ओपेसिटी जो है आपकी ये भी रहेगी, तो पहले इस पर कलर कर लेते हैं, जो कलर होगा वो होगा ये वाला, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पर आओ, फिल करो, पेस्ट, ठीक, सेलेक्ट, पहले कलर कर लिया, फिर एफ, फिर सेलेक्ट किया, जो हमारे पास यहाँ एक और होगी उस टाइम दिखाई, ठीक है, सिलेक्ट, फिर एफ, है तो क्लोज, फिर ऐसे क्या हो रहा है, ठीक है, फिर तो वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है, आई थिंक हो चुका है शायद, मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा के देख लेता हूँ इससे कि मुझे शो हो जाएगा, हो चुका है, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये लेंथ है भी, तो हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, कंट्रोल के साथ क्लिक, ओके, एंड कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक, फिर सी सेलेक्ट, ए सेलेक्ट, डिलीट 0.5, ठीक है, सी क्लिक, ठीक है, एस सिलेक्ट, फिल, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिज़ाइन डाल देते हैं जो कि हम अपने हिसाब से, कोई ऐसा नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही डालें, कुछ अपने हिसाब से भी, ठीक
थोड़ा सा। एंड यहाँ से कलर करते हैं इसमें फिल इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये यहाँ थोड़ा सा और लग रहा है हमारे लिए। इस तरीके से चेक करो। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारा जो है फेस का अपना पूरा कंप्लीट हो गया। मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, इसको लेता हूँ एंड मैच कर मूव कराता हूँ। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको इसको, और मर्ज का ऑप्शन आता है इसमें, वो मर्ज कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। अब हमारे पास जो है फेस है, इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं यहाँ से, और जो पीछे का पार्ट है ये, इसकी भी ओपेसिटी कम कर लेते हैं क्योंकि हमें अब आईज को क्रिएट करना है, इसकी आईब्रो क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, मूव करते हैं, एक कॉलम क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ऐसे ही अभी रफली, और यहाँ से जी पहले मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, क्लिक, इसको थोड़ा हाफ हाफ ले लेते हैं जैसे कि एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। क्लिक, हल्का सा राउंड क्लिक क्लिक। ठीक है, सिलेक्ट, ये हो गया हमारा आई का। उसके बाद हमें एक को चाहिए जो हमारे जो अंदर का ब्लैक स्पॉट है उसको चाहिए, तो हम यहाँ देखते हैं दूसरा और क्लिक करते हैं यहाँ। ठीक है, इसको और इसको नाम दे देते हैं कोई भी। पहले ज्योमेट्री टूल लेते हैं, ज्योमेट्री से एलिप्स क्रिएट करते हैं, जो एलिप्स होगा वो होगा ये। ठीक है, हम इसके स्ट्रोक को कम कर लेते हैं, स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है। फिर एक और क्रिएट करेंगे यहीं। ठीक है, तो कंट्रोल उसके साथ सी कंट्रोल वी, इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा होगा कि इसका जो है वो सेंटर पॉइंट वहाँ होगा इसलिए। ठीक है, इसको हम यहीं छोटा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ। ठीक है, फिर एक और कॉपी निकाल लेते हैं, मैं काम करता हूँ कलर साथ में करते चलते हैं जैसे कि हमारे लिए प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, कलर लेते हैं अपना थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनी और फिर कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, ये कलर जो है हमें चाहिए हल्का सा लाइट, सॉरी। ठीक है, यहाँ एक कलर और लेते हैं, हल्का सा करते हैं लाइट और फिर करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने सर्कल को और इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसे मैच कराते हैं यहीं लाके बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे, और इसको क्या करते हैं इसके लिए, सॉरी इसके शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैच कराते हैं यहीं से एंड कलर देते हैं इसे ब्लैक फुल्ली। ठीक है, एफ सेट कर लेते हैं यहीं से इसके लिए जो है हमारे पास बात। ठीक है,
एक क्लिप्स को और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल के साथ। पहले इसका जो है वो सेट करते हैं पोजीशन का, जो है हमारे पास सेंटर पॉइंट का है, जो कि ये बार बार वहीं पहुँच रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं आता हूँ फिर से पोजीशन पर और स्पेस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इस रेक्टेंगल को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अच्छा फिर वहीं पहुंचे, कोई इशू नहीं है, मूव करो उसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ ज्योमेट्री टूल लेता हूँ और यहाँ एक इलिप्स को क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ तो मेरी कुछ ज़्यादा हो रही है, ये वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्टैंड कर लेते हैं एस। ठीक है, यहाँ से इसके कलर को हम कर लेते हैं वाइट, फुल्ली वाइट, और एफ क्लिक सेलेक्ट करते हैं इसे, और यहाँ इसको छोटा कर लेते हैं और इसे करते हैं कोई ना, ऐसे रहने देते हैं। तो सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे पार्ट को, उसको कंट्रोल जी, ठीक है, और चेक करते हैं मूव करके। ठीक है, एंड फिर एक क्लिक करके देखते हैं, अब ठीक आ रहा है। फिर सिलेक्ट करते हैं इस वाले पार्ट के लिए जो हमारे पास है, वाइट वाला पार्ट, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कर लेते हैं हम 0। फिर एफ फिल और इसको देते हैं जैसे कि दिख रहा है ना इस तरीके। ठीक है, कोई नहीं, दे देते हैं और इसको भी साथ में इसके कंट्रोल भी। अब ये पीछे वाला जो बैग वाला कलर है हमारे पास, ये इसको भी ये वाला जगह इसको कर लेते हैं हम एक यहाँ और फुल्ली वाइट। ठीक है, बेसिकली ऐसा क्यों किया वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि मैंने इन दोनों को जो है वो अलग अलग क्यों किया है। ठीक है, ठीक है, अब हमारे लिए जो एवरो है इसके जो पीछे का ये दिख रहा है आपको शेडो, वो शेडो जनरेट करना है, तो हम उसके लिए शेडो के लिए अलग से एक लेयर ले लेते हैं। बेसिकली सब लेयर बाई लेयर ही वर्क करना है हमारे लिए। चलिए फिर ज्योमेट्री टूल क्लिक किया, सॉरी ज्योमेट्री टूल से एलिप्स के बजाय हम लेते हैं यहाँ पर अपना पॉलीगोनल, पॉलीगॉन लाइन। ठीक है, क्लिक 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 इस तरीके से क्लिक, बेसिकली जो है हम इसको अब बैक कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करो, स्ट्रेंथ 0। कलर मैं ऑलरेडी जो है वो चूज कर चुका हूँ, अपने फेस वाले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं पेस्ट करते हैं जो मेरे पास कलर है ये। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इस लाइन को और फिर उसके बाद ये, फिर एफ फिर फिल, ठीक
ठीक है। उसके बाद अब जो लेयर है हमारे पास, ये वाली कॉलम है, इस कॉलम को लाते हैं यहाँ, ठीक है, जिससे कि ये बैक पहुँच जाए। अब उसके बाद हमें आईब्रो क्रिएट करना है ये वाली, तो हम इस साइड की कर लेंगे, उसके बाद उसको फ्लिप कर लेंगे, क्योंकि ये शो नहीं हो रही इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, ओके, फिर क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जी और क्लिक, इस तरीके से आते हैं और यहाँ से क्लिक और टिक सेलेक्ट, ठीक है। फिर कलर कर लेते हैं यहाँ पर, एक फुल्ली ब्लैक, एफ ब्लैक, और उसके बाद जो मुझे बनाना है तो एलिप्स बन सकता है ये। इसके लिए हम एलिप्स ले लेते हैं, यहीं क्रिएट करते हैं, और तो उसके लिए अलग ही रखते हैं, क्योंकि सब जितने वर्क है उसको हम अपने लेयर बाई लेयर करेंगे तो बहुत ही हमारा अच्छा वर्क आएगा। इसलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ और फिर कलर करता हूँ अपना एफ क्लिक सेलेक्ट, इसको को लेके आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लिप्स हैं, लिप्स को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें अलग से क्रिएट करना होगा, तो हम लिप्स को लेते हैं यहीं पर, नाम दे देते हैं, कभी बेसिक के लिप्स को क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो इसकी जो होगी हमारी लिप्सिंग होगी वो अलग होगी। तो मैं ऐसे बेसिक कर लेता हूँ, इसी की एक हमें आइडिया मिल जाएगा। सॉरी, इलिप्स आ रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे पॉलीलाइन क्लिक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ को करेंगे 0, ए वो सी सॉरी सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको लिया, ये वाला है इसको सेट किया इस तरीके से, इसको थोड़ा नीचे लिया, ऑल के साथ इसे सेट किया, इसको लाया यहाँ और इसको मैच कराया, ठीक है, ऑल के साथ इसे, ठीक है। तो हल्का सा शेडो है ऊपर वाले के, तो हम क्या करेंगे लिप्स के लिए, पहले इसको कलर दे देते हैं लिप्स का, एंड जो कलर है लिप्स का तो वो यहाँ से हम कॉपी करना पड़ेगा, क्लिक करो और एस सॉरी यहाँ पर आओ, और ये वाला जो कलर है हमारे, ये वाली RGB का, इसको सिलेक्ट करते हैं हमारे पास है, अनलॉक करो कलर लॉक और उससे करो कॉपी लिप्स वाले पे आओ पेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप एफ्रेस करो और ठीक, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम क्या करते हैं कम कर लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मैं इसकी स्टैंडर्ड हूँ मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सॉरी जी सेलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ मेरा जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, कंट्रोल के साथ, फिर करो इसको सिलेक्ट और इसकी स्ट्रेंथ जो है हमें करनी है सेट, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ये है, ये सिलेक्ट हो रहा है बट ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे सेट करते हैं, चेक करते हैं, हो तो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है बट स्ट्रेंथ जो है हमारे पास ये है, तो मैं करता हूँ इसे 0.01, और जो
कलर है, मैं इस कलर को दोबारा से पिक करता हूँ अपने आईड्रॉप से अनलॉक करके, ठीक है। आरजीबी को लेते हैं हम यहाँ से, इसके शॉर्ट कट किसी नहीं विदाउट शॉर्ट कट के। ठीक, कॉपी लिप्स और एफ सिलेक्ट एफ, तो सॉरी यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। एफ सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं। तो हमारा जो पार्ट है फेस का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए हमारे पास जो है ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिरर करना है। इसके लिए हमारे पास शेयर ही है, तो वो यहाँ हमें मिरर करना है, तो हम इसको मिरर करके लगा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है ये, मैं समझ रहा था कुछ और प्रॉब्लम है, तो कलर ब्लैक कर लेते हैं यहाँ से। आप देखते हैं ठीक है, एंटर और सेलेक्ट किया ऐसे, और इसकी स्ट्रेंथ को किया कम इतना। अब जो कलर आ रहा है वो कलर हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम कलर करेंगे इसमें फिल, कलर फिल ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करूँ यहाँ, ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसे करूँ सॉल्व कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट है ये थोड़ा ऊपर, बाहर क्लिक करो, चेक करते हैं हल्का सा, यहाँ थोड़ा सा एक डिज़ाइन और क्रिएट करना है। फिर एस सेलेक्ट, इसको स्ट्रेंथ को कर लो कम अपने अकॉर्डिंगली, जितना चाहिए आपको स्ट्रेंथ को, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फिर से क्या करोगे कि सिलेक्ट करोगे पहले कलर, उसके बाद फिर बाहर के लिए क्लिक और एफ, ठीक है। सी सिलेक्ट, ये वाला पार्ट है जो परेशान कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ हमें, हाँ एक चीज़ रहेगी धोखे से, यहाँ मुझे जो है वो रेक्टेंगल क्रिएट करने थे, जी ठीक है। एस लाइक एफ,
डिलीट और कलर फिल सिलेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर मूव कराओ इसे। सेलेक्ट करो इसे, तो छोटा कर लेते हैं यहाँ और छोटा। सेलेक्ट एंड ब्लैक, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट भी ऐसे छोटा कर लेते हैं यहाँ से। इधर से भी छोटा कर लेते हैं वरना वो एफ। कोई नहीं, ऐसे ठीक लग रहा है। सिलेक्ट ठीक है, उसके बाद ठीक है जी, ये क्लियर बन गया हमारा। हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसे पूरे को और कंट्रोल जी, जैसे कि मैं सेलेक्ट करूँ मूव करूँ तो प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, आई थिंक फ्रेंड जो है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस किस तरीके से मैंने इन पार्ट्स को क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास हैं। एब्रो है, एब्रो तो हमें बेसिकली अलग चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। ठीक, अब मुझे करना है इनको कॉपी करके दूसरे कॉलम पे लेके जाना है, तो हम उसकी बात करेंगे आगे पार्ट में, किस तरीके से हम इस कॉलम को कॉपी करेंगे और किस तरीके से वहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी जो है बेसिकली इसकी जो है वो आपके एब्रो भी रह गई हैं जो कि आप देख सकते हो। मैं स्पॉन कर लेता हूँ रेगुलर लेयर को, नीचे की जो है वो है ब्लैक स्पॉट है, यहाँ से वो क्रिएट होगा। मैं इसे क्रिएट कर ही देता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं हम अपना, रेक्टेंगल के बजाय पॉलीलाइन क्लिक। फिर यहाँ क्लिक और फिर क्लिक, ठीक है, सिलेक्ट ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक नॉर्मल क्लिक 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 ठीक है। अब
वापस आते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। जो हमारी जो है ग्रो वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेव कर लेते हैं इस फाइल को हम अपनी, और मिलते हैं फिर फ्रेंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।